सुरक्षा और दूसरी मांग को लेकर डॉक्टर और रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए, मरीजों के परिजनों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी शायद डॉक्टरों को ही ढूंढ रहे हैं इसमें? जी जी, डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं। बाहर से मरीज आए हुए हैं परंतु डॉक्टर अपनी सीटों पर मिल नहीं रहे और सब स्ट्राइक करके गए हैं, और अपनी सुरक्षा की वजह से कहते हैं झगड़े की वजह से। करना क्या था? PSC करानी थी, डॉक्टर के ऑपरेशन है तो उसके लिए PSC के लिए। तो ये है एक मरीज के परिजन, लेकिन ज़्यादातर जगह देखा जाए तो जो डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर हैं यहाँ पर बैठे हैं, मरीजों को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मरीजों का इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में ये अपना काम पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात अलग है, कुछ लोग अभी भी हड़ताल की बात कर रहे हैं, लेकिन जितने यहाँ पर मरीज हैं चाहे एडमिट हैं, उन लोगों को नियमित रूप से ये लोग रेजिडेंट डॉक्टर भी देखभाल कर रहे हैं। हालाँकि इनकी मांग अपनी जगह सही है कि किसी तरह का अस्पताल में असुरक्षित माहौल नहीं होना चाहिए और सरकार को इसके लिए पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। इसी बात को लेकर ये लोग शुरू से ही बात कर रहे थे, लेकिन जो मरीज़ हैं, मरीज़ के परिजन हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन अटेंड करने वाले इनके जो मेडिकल स्टाफ हुए हैं, कम से कम आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल में राजस्थान के उपलब्ध हैं और मरीजों को सही ढंग से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। और सरकार से जहाँ तक इनकी मांग की बात है, ये चाहते हैं कि यस, अस्पताल में सुरक्षा का माहौल होना चाहिए ताकि वे जब मरीजों का इलाज करें तो भयमुक्त वातावरण में इलाज कर पाएँ। ये है, देखिए यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है, मेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है। आज मरीज अगर आपके यहाँ देखा है कि मेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध है, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है? नहीं, कोई परेशानी, लेकिन आपकी मांग तो अपनी जगह, ये सुरक्षा तो होनी चाहिए। डॉक्टर्स का हम नर्सिंग स्टाफ है, सुरक्षा को लेकर मतलब सबकी होनी चाहिए, सुरक्षा के लिए चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे तो इस तरह की घटना न हो। सरकार को तो डॉक्टर्स हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन राजस्थान का सबसे बड़ा ये अस्पताल है SMS, और यहाँ पर इलाज के लिए जो हर रोज़ मरीज आते हैं, परिजन आते हैं, उन्हें कुछ हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लगता है भाई साहब, मिले कोई डॉक्टर आपको हाथ में पर्ची वगैरह? डॉक्टर नहीं मिले अस्पताल में? मिले, इलाज हो रहा है? हो रहा है, देखिए इनका इलाज हो रहा है। भाई साहब आपको मिले, आप लोग भी इलाज के लिए आए हुए हैं? हाँ, डॉक्टर मिल गए? डॉक्टर मिल गया, इलाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं सर, मैं डॉक्टर से, सीनियर डॉक्टर से मिला हूँ, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल थे चैम्बर के अंदर, उन्होंने इलाज किया पेशेंट्स का, और खुद वो लोग अपने लेवल के ऊपर अगर जहाँ उनको आने की जरूरत पड़ रही है, सीनियर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आपको भी डॉक्टर मिल गए वैसे? सर डॉक्टर तो मिल रहे हैं, लेकिन जो है ना मतलब प्रॉपरली जो रेस्पॉन्स होना चाहिए डॉक्टर का, कि ट्रीटमेंट से भाई आप बात करोगे तरीके से, वो नहीं, क्योंकि उसका रीज़न ये है, क्योंकि अगर पेशेंट आपके यहाँ एडमिट है तो प्रॉपरली कम से कम ये तो एडवाइस करोगे नहीं। यहाँ पे सुबह से मैं न्यूरो में 3 बार जा चुका हूँ, उन्होंने कहा आप 7 में जाओ, फिर कहा 3 में जाओ, फिर 3 वालों ने कहा फिर 3 में जाओ, फिर 3 वालों ने कहा कि कल आपको लिख के दे दिया, फिर वापस आप 3 में जाओ। देखिए ये शायद जयपुर के अस्पतालों की सबसे अच्छी बात कही जा सकती है कि डॉक्टर भले ही विरोध कर रहे हैं लेकिन वे मरीजों को भी अटेंड कर रहे हैं। हालांकि भाई साहब जो बात बता रहे हैं, सबसे बड़ा राजस्थान का अस्पताल है और शायद इस तरह की प्रॉब्लम मरीजों के परिजनों को उठानी पड़ रही है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर हड़ताल का कोई बड़ा असर नज़र नहीं आ रहा है और सभी मरीज जो आ रहे हैं उनको अटेंड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सल, जयपुर, न्यूज़ 24।